करते थे थोड़ा लोगों नीचे मतलब ब्रिटिश लाओ गोल्ड लाओ पैसे लाओ सोना लाओ ये डिमांड करते थे देखिए। और ये जो ब्लैक मैजिशियन है भाई भैया उनके पास में तो ज़बरदस्ती लेकर जाते थे, उनको बहुत गंदे तरीके से टच करते थे प्राइवेट पार्ट्स में जो मेरे को पसंद नहीं आता था। और भी मंत्र ये वो कुछ पढ़ते थे उनको जो मेरे को समझ में नहीं आता था, जिससे मैं मेरे शौहर को और मेरे ससुराल वालों को बोलती थी कि मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। जैसा मेरी प्रेगनेंसी कन्फर्म हुई फिर भी वो इनके पास लेकर गए और इन्होंने जो है सो मेरे को कुछ तेल और दवाई दिए, बोले कि इसको पेट में लगाओ जिससे तुम्हारा बेटा होता। जो उसके बाद में मैं आ गई फिर मेरे को भाई मैं के पास लगातार ले जाना और टॉर्चर करना, हर चीज़ के लिए पैसे लाओ सोना लाओ हमेशा हर वक्त बोलते थे और यही बोलते थे हमारा एक ही बेटा है हमारे को बेटा होना। और ये मेरे ननद और सास मिलके मेरे बात कट करके ये भाई मियाँ के पास लेकर गए जो मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, लेकर जाके मेरे पे जादू कराए, धोखा करे धोखे से मेरे बाल लेकर गए। और जैसा मेरी बेटी पैदा हुई मेरे को घर से हकाल दिए लड़ झगड़ के, तुम एक बोझ थे तुम्हारी बेटी भी बोझ है उसको भी संभालना क्या बोलते पैसे लो तुम्हारे घर से बोलते। और बोले जो तेल और दवा थी भाई मियाँ का आशीर्वाद था जो तुम नहीं लगाए जिसकी वजह से तुम्हारे को बेटी हुई और तुम्हारे को घर में नहीं रखते, मेरे शौहर भी मेरे को वो वजह से तलाक दे दिए। तलाक मतलब जैसा उन्होंने मेरे को नोटिस भेजे घर से हटाने के बाद, ना मेरे उस पर हस्बैंड की साइन है ना मेरे हस्बैंड मेरे को आमने सामने बोले। और जहाँ तक मेरे को मालूम है हमारे इस्लाम में ऐसी तलाक नहीं होती। जो मैं डीसीपी साउथ जोन सर की मदद से यहाँ तक पहुँची, चार मीनार के SI CI सर बहुत मदद करे मेरी, मेरे को बस यही है मेरे हस्बैंड दुबई से आना, मेरी मेरी बच्ची का हक देना, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे मुर्शदों पर भरोसा मत करिए। हैदराबाद सिटी चारमीनार पुलिस स्टेशन के अंदर एक फेक बाबा अब्दुल शेख रहमान इलियास भाई मियाँ और एक लड़की को वो मेल चाइल्ड पैदा हुआ नहीं इसीलिए बच्ची पैदा हुआ, औरत बच्चा औरत बच्ची, इसीलिए डाइवोर्स देने के लिए कोशिश करने वाले ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ को और फेक बाबा को अरेस्ट कर दिया चारमीनार पुलिस। एक फातिमा हबीबा फातिमा 19 साल का लड़की है, वो लास्ट ईयर अगस्त में मैरिज हुआ अगस्त 4 को, वो नामपल्ली का रहने वाली थी, आदमी अबू धाबी में काम कर रहा था, ये मंजूर अहमद इलियास सैफ 24 डेज के बाद ये प्रेगनेंसी हुआ। प्रेगनेंसी होने के बाद एक मदर इन लॉ फादर इन लॉ एक बाबा के पास ले गए बच्ची को, वहाँ लेके थोड़ा मेडिसिन दे दिया, कुछ ऑयल दे दिया मसाज करने के लिए और दुआ भी दे दिया। और 2-3 बार ऐसा देने में एक ये बाबा क्या कर दिया, उनको विक्टिम को कंप्लेंट्स को वो प्राइवेट पार्ट्स टच कर रहा है, वो ऑयल ऐसा करना ऐसा करना। ये प्रेग्नेंट थी, ये प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसा बाबा करने में यह औरत को बहुत गुस्सा आया। ये बात अपने हस्बैंड के सामने रख दिया, शुरू में हस्बैंड को भी थोड़ा एग्री कर दिया, लेकिन बाद में ठीक है हमारा मम्मी फादर क्यों कहा उसके बात सुनना चाहिए, अगर आदमी बच्चा फायदा होने के लिए वो बाबा क्या कहेगा वो करना था ऐसा बोल दिया। लेकिन वो 6 महीने के बाद प्रेगनेंसी होने के बाद वो बहुत वीक हो गया ये औरत,
उस टाइम भी वो पेक बाबा के पास वो लेने के लिए बहुत बहुत कोशिश करा, लेकिन ये औरत फातिमा मना कर दिया। लास्ट में क्या हुआ, एक बच्ची औरत बच्ची को डिलीवरी हो गया, पैदा कर दिया। उस टाइम से हस्बैंड सास ससुर हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। अगर बाबा लास्ट तक रहेगा तो वो बच्चा पैदा होता था, लेकिन तुम खरा नहीं, इसीलिए आपको डाइवर्स करने के लिए हम हमारा बच्चे को बोल देंगे, ऐसा बोल दिया। बच्चा भी अग्री होके लास्ट महीने में उनको डाइवर्स नोटिस भेज दिया, तलाक नोटिस। ये इतना बुरा इश्यू है, बच्चा और बच्ची, औरत बच्चा, औरत बेबी, आदमी बेबी जो पैदा, पूरा साइंटिफिक स्टडीज का देखने में एक फादर का रिलेटेड है। जो फादर का सेक्स क्रोमोसोम्स होता है एक्स वाई, मदर का एक्स एक्स, अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम किसी एक्स को मिलेगा तो औरत बच्ची पैदा होता, अगर वाई क्रोमोसोम फादर का मिलेगा तो कंबाइन हो जाएगा तो मेल बच्चा होता। सो सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बच्चा बच्ची ये पैदा ये पूरा